राजस्थान से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस की हालत पंचायती राज चुनावों के नतीजों को देखने के बाद बेहद खराब है। जो नतीजे कांग्रेस सोच रही थी वैसे बिल्कुल नहीं आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रदेश में सरकार होने के बावजूद इस तरह के नतीजे आना प्रदेश की राजनीति में एक दशक बाद देखा गया है। नतीजों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब हुई है। सियासी गलियारों में खबर है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेश की कमान लेकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि गहलोत ने अपने बयानों से कांग्रेस की कहीं ना कहीं छवि खराब की है। कहा यह भी जा रहा है कि आलाकमान अशोक गहलोत के लगातार दिए जा रहे बयानों और उनके आधार पर आ रहे नतीजों से काफ़ी चिंतित है और आलाकमान एवं गहलोत के बीच एक शीत युद्ध भी चल रहा है। अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। गहलोत की मुश्किलें अगर बढ़ती है तो सचिन पायलट के लिए राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा पद उन्हें मिलेगा और गहलोत को केंद्रीय राजनीति की ओर राजस्थान से भेज दिया जाएगा। राजस्थान और यहाँ की सियासत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सियासी हवा का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने राजस्थान की सियासत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें आरोप लगाए गए कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है। उसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर लौटे और उसके बाद लौटते ही इन तमाम बातों पर पूरी तरह विराम लग गया। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उसके एक दिन बाद सचिन पायलट से मुलाकात की। पायलट और कमलनाथ की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को कोई बड़ा संदेश देकर सचिन पायलट के पास भेजा था, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत के उस बयान में कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी निशाना साधा गया और ये बात आलाकमान तक भी पहुंची। इसलिए आलाकमान ने कमलनाथ के हाथों पायलट के लिए कोई संदेश भेजा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी कांग्रेस में ना देकर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए, इसलिए अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी सचिन पायलट से मिलना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सचिन पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन दे रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।